पुलिस ने की चालानी कार्रवाई। एसआई गजराज के साथ लोगों की काटी चालान। बचने की फिर में एक युवक ने ठोकी मोटरसाइकिल। खबर शिवपुरी के पौहरी चौराहे से है। हम आपको बता दें कि शहर के पौहरी बस स्टैंड पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। यहां पुलिस ने मास्क के प्रति कार्रवाई की। पुलिस ने सभी लोग जो मास्क नहीं लगाए थे उन पर चालानी कार्रवाई की। यहां एक एएसआई गजराज सिंह भी बिना मास्क के मिले, इन पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं एक मोटरसाइकिल पर दो युवक बैठकर जा रहे थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। पुलिस को देखते ही बचने की फेर में युवकों ने मोटरसाइकिल दूसरी गाड़ी में ठोक दी। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने दोनों युवकों को कोतवाली भिजवाया। कुल चालान 200 किए गए। वहीं लोगों को अस्थायी रूप से बंद कर ग्वालियर बाईपास छोड़ा गया। दिन भर कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान अपर कलेक्टर उमेश शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया, एसडीओपी अजय भार्गव, यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव के साथ समस्त स्टाफ मौजूद था। आप जानते हैं कोरोना वायरस हमारे शिवपुरी जिले में 1 तारीख से लगातार केस बढ़ रहे हैं। कल भी हमारे यहाँ 12 केस निकल के आए थे। लोग बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं। किसी तरह मास्क, डिस्टेंसिंग, कोई किसी प्रकार का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए एक अभियान चलाया गया है जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं मास्क लगाने के लिए और कोरोना से जो बचाव है उसको सैनिटाइज और दो गज की दूरी करने के लिए। तो उसकी यह संदर्भ में आज पूरी चौराहे पर लगातार हम कार्रवाई, जिसमें अभी चालानी कार्रवाई हो रही है और जो लोग अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको हमने वाहन में बिठाया हुआ है। जो हम से कह रहे हैं हम उनको जो है कुछ देर बैठा कर ये आवश्यक है। आप सभी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सब लोग मास्क का पालन कर, घर से बाहर निकल मास्क लगाए रखकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और हर 2 घंटों में अपने हाथ को सैनिटाइज या साबुन से हाथ बराबर।